कोरोना जैसी महामारी में भी लोग आपदा को अवसर बनाने में नहीं चूक रहे। जिसका जहां दांव पड़ रहा है वहां वो इस महामारी से अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। जहां कोरोना की दूसरी लहर में फैली इस महामारी को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार डिमांड बढ़ गई है, तो लोगों ने इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी शुरू करते हुए इसको अपनी कमाई का धंधा बना लिया है। यूपी के अलीगढ़ में अवैध रूप से घर में चल रही नकली सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री का आबकारी विभाग और दिल्ली गेट पुलिस की संयुक्त टीम ने जानकारी मिलने पर छापे मार कर कार्रवाई की, तो नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। तो वहीं जेएन मेडिकल कॉलेज रोड पर पुलिस ने गश्त के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले युवक के पास से 4 रेमडेसिविर बरामद कर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना थाना दिल्ली गेट खैर बाईपास इलाके के गढ़पुरम कॉलोनी की है, जहां आबकारी विभाग और इलाका पुलिस की संयुक्त टीम के साथ अवैध रूप से चल रहे सैनिटाइजर बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नकली सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध रूप से रखा हुआ अल्कोहल मिला है, जिसके पास से सैनिटाइजर भी काफी मात्रा में सीज किया गया। यहाँ 500 ml की 2000 बोतल और 200 ml की 250 बोतल और 100 ml की काफी बोतलें बरामद हुई हैं और अन्य सामान बरामद किया गया है। ये लोग बिना लाइसेंस के काम कर रहे थे, इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, न आबकारी विभाग की कोई संस्तुति इनके पास मिली है। सैनिटाइजर और उसको बनाने वाला अन्य सामान भी बरामद किया गया है। ये आजकल जो COVID-19 को देखते हुए महामारी को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन बहुत रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी हो चुकी है, और जो भी एक ब्लैक मार्केटिंग की बात सुनने में आई थी तो वो पुलिस की गश्त में ही मेडिकल रोड पे गश्त चल रही थी वहाँ पे वो पकड़े गए, जिनका नाम धीरेन्द्र बघेल उर्फ गिरधारी सिंह है, जो मेन रोड बाईपास नवल कॉलोनी के रहने वाले, वो वहाँ से कहीं से इंजेक्शन खरीद के लाए हैं जो जिसका MRP जो है 3900 रुपए है, लेकिन उसको वो 40,000 से लेके 35,000 से लेके 36,000 से जिस आदमी को जिस तरह से मिले उस हिसाब से बेच रहे हैं। उनके पास 4 इंजेक्शन मिले हैं जिसको जांच हेतु प्रयोगशाला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपदा प्रबंधन में उनके ऊपर FIR की जा रही तथा उसके नियम के अनुसार से उनके ऊपर सैंपल लेके प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। कहाँ से पकड़े गए हैं सर ये? कहाँ? मेडिकल रोड। तो कुछ सैनिटाइजर भी पकड़ा गया इंजेक्शनों के साथ? हाँ, उसके बाद में फिर हमारी टीम, आबकारी टीम और मेरे आबकारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा तथा पुलिस बल के साथ में लेते हुए हम दिल्ली गेट की पुलिस साथ लेके नितिन उर्फ केशव देव गर्गपुरम कॉलोनी खैर बाईपास जो स्थित है वहाँ पर कलावती पैलेस के बगल में एक घर के अंदर सैनिटाइजर की फैक्ट्री चल रही, जिसमें हमें सैनिटाइजर मिले 100 ml, 200 ml, 500 आधा लीटर और 5,500 लीटर की काफ़ी मात्रा में मिला, और ऐसा प्रूफ होता है कि ड्रमों में माल भी मिला और प्रूफ ऐसे ये भी हो रहा है कि वो घर में बना भी रहा था वहीं, जिसको हम जिसके ऊपर FIR करने की आपदा प्रबंधन के लेते हुए ड्रग एक्ट की धाराओं में उसके ऊपर FIR कर। कितना पकड़ा गया होगा? तकरीबन कितनी कीमत का होगा? करीब करीब 2 लाख के ऊपर का, 2 लाख के ऊपर की। ये कौन से क्षेत्र से पकड़ा गया? ये डेलीगेट। तो वहीं जेएन मेडिकल रोड पर पुलिस गश्त के दौरान पकड़े गए युवक के पास से मौके पर ही 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए गए, जिन रेमडेसिविर इंजेक्शन को इससे युवक के द्वारा कई गुना कीमत पर लोगों को बेचा जाता था। जेएन मेडिकल रोड पर पुलिस टीम ने गश्त के दौरान कोतवाली बना देवी मेलरोज बाईपास निवासी वीरेंद्र बघेल को पकड़ा। पुलिस ने पकड़े गए युवक की तलाशी कर उसके पास से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। युवक के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो MRP थी वो 3,900 रुपए बताई गई है। पुलिस ने इंजेक्शन को 35,000 से 40,000 रुपए में रेमडेसिविर बेचते हुए पकड़ लिया है। पुलिस ने बरामद किए गए 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन को जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजते हुए युवक के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जहाँ आबकारी विभाग और थाना दिल्ली गेट पुलिस को जानकारी मिली थी कि खैर बाईपास कलावती के पास गढ़पुरम कॉलोनी के नितिन उर्फ केशव देव के घर में अवैध रूप से नकली सैनिटाइजर बनाने का काम चल रहा था, जिसके बाद दोनों टीम ने छापेमारी करते हुए यहां से भारी मात्रा में सैनिटाइजर बनाने के सामान और सैनिटाइजर बरामद किया है। वही हेमंत चौधरी आबकारी विभाग के अधिकारी के बताए अनुसार घर के अंदर चोरी छुपे नकली सैनिटाइजर लोगों के द्वारा बनाया जा रहा था। लगभग 2 लाख रुपए की कीमत का नकली सैनिटाइजर यहां से पकड़ा गया है। आबकारी विभाग की तरफ से थाना दिल्ली गेट पर ड्रग एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अलीगढ़ से अजय कुमार, न्यूज़ वन इंडिया।